हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस कर्नर। सो ए वीडियो रे आमे डिस्कस करिबा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो टॉपिक अछि से टॉपिक रो 2020 रो प्रीलिम एग्जामिनेशन रे को को सब क्वेश्चंस आसीतिला आउ को सोर्स तुमको रेफर करिया पे कोहा जाईतिला आउ ताको सेटा आमे केते जस्टिफाई करि परुचे। आमे जो टेस्ट रे सब्सक्राइब करिकि जो पार्टिसिपेट करुचे क्वेश्चन आंसर ट्राई करुचे ताको आमे ठीक से यूटिलाइज करि परिचे कि नाही सेही जिंस को भी आमे डिस्कस करिबा। ओके सो 2020 रो क्वेश्चन को मु देखौछि तुम मन को क्वेश्चन नंबर 46 को जाउछि। क्वेश्चन नंबर 46 रु एटा स्टार्ट होउछि जेतु एटा सेट सी। तो क्वेश्चन नंबर 46 बा 45 देखो 45 कोन कहउछि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वत्स्य महाजनपद। तो एई जो याकु नै कि तमरो टेस्ट सीरीज रे दी तीनटा क्वेश्चंस पचारथिला बट एक्यूरेटली क्वेश्चन पचारा जे नथला जे वत्स्य महाजनपद कोठि अछि। ओके तारो कैपिटल कोठि अछि एमती क्वेश्चन आसे नथला बट तारो लिस्ट सबु थिला जेमती आमे जो देखि परिबा एथिरे देखो फास्ट टेस्ट जो दिया दैथिला टेस्ट 1 रे जो तमर वीएसटी जो होइथिला टेस्ट 1 रो क्वेश्चन रही तमर 8 नंबर क्वेश्चन रही एई क्वेश्चन अछि। देखो एटी तारो बेसिकली से क्वेश्चन टाइप अलगा अछि बट एक्सप्लेनेशन रे सेही सेम जिंस अछि। देखो 8 नंबर रे वत्स्य लेखाई छि तो ताकु जदि आमे देखिबा आंसर जदि आमे ट्राई करिबा आंसर कोठु पाइबा ना सिंपली आमे जे देखिबा ए जो ए कंपाइलेशन को तमे डाउनलोड कर परिबो टेलीग्राम ग्रुप रे। तो ए कंपाइलेशन रे देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अछि ए जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन के जति की 2015 रु 20 भितरे जति क्वेश्चन आसी छि सेई क्वेश्चन रो कंपाइलेशन विथ आंसर शीट सब अछि। ओके तो मु जस्ट तम पाकु नै जाउ छि 2020 जाय 2020 प्रीलिम रो कोन कोन सब क्वेश्चन पचैतला ताको आमे डिस्कस करू छि। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वत्स्य महाजनपद। तो आंसर हबो कौन आंसर हबो बी कौशाम्बी। तो ये देखो सेम जिनस मु कहि देली एठी वत्स्य कौशाम्बी। तो ये देखो आर्यन बुक अछि आर्यन बुक रो स्क्रीनशॉट एटा तो आर्यन बुक रो डायरेक्ट क्वेश्चन तमे इथरु आंसर करि परिबो। ओके ए क्वेश्चन इजीली करि परिबो। सेकंड क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस इंडिकेट दैट लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वाज असोसिनेटेड बाय पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र कौ डायनेस्टी शुंग डायनेस्टी आउ मौर्यन डायनेस्टी जो कहे मौर्यन डायनेस्टी लास्ट किंग किए बृहद्रथ। तो ये जिनसटा आम जाने ये जिनसटा इजी बट से कौन कहे ना से जो जिन जो बृहद्रथ को जो असोसिनेट करते पुष्यमित्र से कौटी मेनसन हो। तो आम जो आंसर देखा यहाँ डायरेक्टली तुम्हें पाइबन आरियांत पाइबन कि बड़ बुक रे पाइबन तेल कौटी पाइब ना तुम तक गूगल सर्च कले देख गोटे अच्छी मैटेरियाल अच्छी सिविल सर्विस रो। तो जी आम देखा ये देख इंडियन हिस्ट्री सुंग रूल विषय देखिए तो डिटेल जो तुम पढ़ो यही पाखे लिखाई कौन ना देख आफ्टर द ओवरथ्रो ऑफ बृहद्रथ पुष्यमित्र शुंग वेस्ट ए फ्यू वेयर टू कंसोलिडेट हिज पोजिशन। ओके सो कौ एविडेन्स को बेस करी ना एविडेन्स सो दैट पुष्यमित्र शुंग डिफिटेड यवनस। ओके दिस इज कन्फर्म बाय पतंजलि महाभस्म। जो बेसिकली सी पुष्यमित्र जो यवन मान को डिफिट करते सेटा कन्फर्म कौट हो महाभस्म रु आम कन्फर्म हो जोटा कि पतंजलि लिखी थे बट एट देख एंड द क्लेम मेड इन द हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन दैट कारवेल ऑफ कलिंग डिफिटेड पुष्यमित्र शुंग कैन नॉट बी सस्टेन बिकॉज कारवेल रूल्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी लेटर भसुमित्र द ग्रैंडसन ऑफ पुष्यमित्र शुंग डिफिटेड द यवन। तो जो ये जिनस को यदि आम देखा कनफर्म कौटी दिस इज कनफर्म बै मालोगी गाग्नमित्रम एंड गार्गी संहिता। तो ये देख दुटा जिनस अच्छी इनस्क्रिप्शन अच्छी गार्गी संहिता अच्छी। तो ये देख इनस्क्रिप्शन जो अच्छी दुटा ऑप्शन देखा तेणु आम आंसर ये आम कहीपरानी आंसर कौन हम से मुझे आंसर भी तुम मानक डायरेक्टली 100% कहीपरू ना। तो आम जी आंसर मत लगुच मुझे ये इनफर्मेसन जानी था मुझे आंसर कौन कर आंसर बी कर। ओके तेणु तुम्हें जी आंसर बी कर ए कर तुम गोटे सेफ साइड रे अच्छे। देख नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग गुप्त रूलर वाज फास्ट टू बियर हायर पॉलिटिकल टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। एटा भी आम डायरेक्टली क्वेश्चन आसीला यू। तो यहाँ देख डायरेक्ट क्वेश्चन टेस्ट 1 रु आम आसाला टेस्ट सीरीज रु हु वाज द फास्ट गुप्त किंग टू अडॉप्ट टाइटल ऑफ महाराज धीराज जमी लगे जमी कॉपी ना नहीं।
तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये बहुत तुम जो टेस्ट थ्री सब्सक्राइब कर तुम आडभांटेज तो ये देख तार स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करुच्ची हु एमंग द गुप्त रूलर वाज फास्ट टू बियर हायर पॉलिटिकल टाइटल ऑफ महाराजा धीरज तो आंसर हम कौन चंद्रगुप्त वन देख द एज ऑफ गुप्त रु स्टार्टिंग ही आम चंद्रगुप्त अच्छी कौ किंग मैंने कौन कौन सब टाइटल कंटेन करते से निजे आडप्ट करते नहींक आंसर अच्छे तो ये देख बेसिकली जब आम देखा श्रीगुप्त जो कौचे आम श्रीगुप्त आउ घटोत्कच तो श्रीगुप्त जो फाउंडर थे सीए कौन आज्यूम करते टाइटल महाराज बट चंद्रगुप्त वन महाराज धीरज बट समुद्रगुप्त जिते आम आसुचे आम कौन कौचे नेपोलियन ऑफ इंडिया कौचे नेपोलियन ऑफ इंडिया जो कौचे आम किए कही नेपोलियन ऑफ इंडिया बी एस स्मिथ कही ओके तो ये इनफर्मेशन जब जान तुम इजिली आंसर कर तेणु मत लगुच ये क्वेश्चन भी समस्ते जदि आरियान तुम रेफर कर इजिली तुम आंसर करके तो फास्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन तुम इजी क्रैक करपर देख हु ओवरथ्रो द राष्ट्रकूट इन 973 एडी तो 973 एडी रे राष्ट्रकूट को किए ओवरथ्रो करता तो ये टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन पाई ना राष्ट्रकूट जो अर्ली मेडिवल पीरियड रे जो जो किंगडम बा किंग माने थिले तांको विषय रे एते भी तुम्हारे कन्फर्म न्यूज रही पारे बट बेसिक बुक रे भी तुम्हें पाइपर ये आंसर ओके तो यहाँ भी आम टेस्ट सीरीज इनडायरेक्टली आम पढ़ी तो मुझे जस्ट देखा जे ये परांतक वन तुम ना जो शुनी इजिली करपर कौन पाई ना जिते बड़े गोटे किंगडम गोटे रूलर बड़ बड़ किंगडम जिते बड़े जमी मौरियन किंगडम जिते बड़े तार कभर कर डिक्लाइन करते कौन हो आउ जे किंग आसमती सब किंग गुड़ा को मन रखापी पड़ो जे किए फाउंडर आउ कहीं यहाँ कौन है डिक्लाइन है तो सही जिनस को तुमको माइंड में रखापी पड़ो तो एम मानक देखा तार प्रूफ ओके तो ये देख बेसिकली पूनम दलाल बुक को लेकिन आम जो टेस्ट सीरीज जो 60 डेज टेस्ट सीरीज जो आम स्टार्ट करते ये देख लास्ट रूलर राष्ट्रकूट रूलर किए थे भी क्वेश्चन आसपार तेणु कृष्णा थ्री वाज लास्ट ग्रेट राष्ट्रकूट रूलर तो ये देख लास्ट लिखाई ये देख हि एल्सो डिफिटेड द चोलो किंग परांतक वन ओके तो ये ये कौन लिखी परांतक वन को डिफिट कर लिखी तेल ये कौन आंसर कौन कौच क्वेश्चन कौन कौच हु ओवरथ्रो द राष्ट्रकूट इन 973 एडी तो ये बेसिकली कौ टाइम रो ना 949 सीई रो तेणु 949 सी रे सेमती किसी परांतक वन डिफिट कर नथले परांतक वन को डिफिट करते किए कृष्णा थ्री किंतु 972 रे जो साक है बेसिकली राष्ट्रकूट जो कैपिटल मान्यखेत जो बेसिकली साक है क्या द्वारा है ना जो सक्सेसर तर जो जो अपोनेंट जो अच्छा से यूनाइटेड है सेटा साक है से आंसर देख आंसर भी नॉन ऑफ दी एबव भी हो पाए तेणु आम आंसर आकुरेटली कही पारानी आंसर कौन ओके तो परांतक वन को जेहेतु डिफिट करते आंसर कौन बोले आइदर नॉन ऑफ दिस किंबा राजेंद्र वन ऑफ चलो राजेंद्र वन ऑफ चलो जी देखा राजेंद्र वन ऑफ चलो कौटी अच्छे देखा चलो एम्पायर जब सर्च करवा तो जो जिनस मुझे देख से परांतक वन तो डिफिट होते डिफिटेड बाय राष्ट्रकूट किंग कृष्णा थ्री तापर आम 907 रु 955 थे तेणु 972 रे देख किए थे राजा राजा चलो वन तो राजा राजा चलो वन राजा राजा चलो जदि आम देखा ये राजेन्द्र वन ही थे कि राजेन्द्र वन किए राजेन्द्र वन देख 101 पर अच्छी तेणु ना जेहेतु मेनसन नहीं आम कहीपर नन अफ दि एव ओके तो मुझे जो आंसर आगुरी देखी यार आंसर सी देखी यहाँ भूल अच्छी तो आंसर हम डी तापर देख 49 क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मुगल सर्सेस वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन बाय फैंडा खान ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन पाई ना आम जब आंसर को देखा 49 रो आंसर को देखा ये देख मुगल एम्पायर विषय देती आउ ताजुकी बाबरी जो अच्छी आम ताजुकी बाबरी जो अच्छी लिखी थे किए बाबर लिखी थे से जो ये बाबर लिखी थे जिनसटा को पर्सियन रे ट्रांसलेट किए करते अब्दुल रहीम खानी खानम ओके अब्दुल रहीम खानी खानम ये तो ना किए क्या विषय पचार पैंडा खान विषय पचार तेणु जी फर्दर एलाबोरेट करवा ये ताजु की बाबरी को इंग्लीश को ट्रांसलेट किए करते मैडम वेब्रिज करते बट पैंडा खान विषय में किसी मेनसन ना तो आम कौटी पाइबा से बेसिकली अलग सोर्स आम पाइपर
तो इट देखो बोथ पांड्या खान एंड अब्दुल रहीम मिर्जा ट्रांसलेटेड दिस वैल्यूएबल बुक इनटू पर्शियन को बुक को ताजू की बाबरी को तनु आंसर हबो कौन बाबर नामा देखो बाबर नामा भी कहू छे तनु आंसर हबो ए। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मुगल सोर्सेस वाज ट्रांसलेटेड इनटू एटा ठीक अछि 50 नंबर क्वेश्चन हु वाज द ऑथर ऑफ तारिकी दाऊदी तारिकी दाऊदी एटा भी बहुत टफ क्वेश्चन कोन पई ना एटा सिंपली माने बहुत बुक रे भी नाही तले गूगल सर्च कर ही तुमको ए आंसर मिलिबो जदी अलगा को सर्च रे अछि ताकू तमे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो ताकू मु भी रेफर करी पारिबी। ओके तो यार आंसर देखिया पई ट्राई करिया बुझिया पई हु वाज द ऑथर ऑफ तारिकी दाऊदी तो लिटरेचर जो हमर मुगल पीरियड रे थिला ताकर जो स्कॉलर मानकर सब स्कॉलर मानकर दे छथि तथापि अब्दुल्लांकर जिनस कुछ लिखा ही नाही तो हमें यार आंसर भी बहुत कष्ट बट अलग जो तारीख देखो ताजू की जहांगीर तबाकत ही अकबरी ये सब जिनस देखो अब्दुल अबुल फजल आईनी अकबरी अकबर नामा तापरे किताबुल अंदेश ये सब जिनस से माने कौन किए लिखिछन दे छि बट ये जिनस पर्टिकुलरली देने तेणु यार आंसर तुम्हें आर्यन बुक तो पाई पार ना तो अब्दुल्ला अफ कल्ली रोड द बुक तारीख की दौदी ड्यूरींग रेन अफ जहांगीर तो ये क्वेश्चन भी फर्दर अपकमिंग इयर तुम आसपा जे ये तारीख की दाऊदी बेसिकाली जी लिखी थे कौ पीरियड में लिखाई थी जहांगीर पीरियड में लिखाई थी इट स्टार्ट फ्रम द पीरियड अफ बहलाल लोदी एंड प्रोवाइड इनफर्मेसन अबाउट रेन अफ लोदी एंड सोर्स हाउएवर इट प्रोवाइड फ्रागमेंटरी इनफर्मेसन अनसपोर्टेड बाय प्रॉपर डेट्स और अकाउंट्स। ओके तो एमती कि सिक्स नंबर क्वेश्चन हमें कर देले 51 नंबर क्वेश्चन हु हैड प्रिपेयर्ड द प्रोक्लेमेशन नोन एज मजहर इशूड इन सेप्टेम्बर 1579 तो 1579 रे को कहार पीरियड थिला तमे जानिचो मुगल पीरियड थिला मुगल पीरियड रे जो अकबर थिले सेही टाइम रे थिले तो तांको भितरे तांको कोर्ट रे जे जे थिले सांको भितरु के करथिबे प्रोक्लेमेशन अबुल फजल फैजी शेख मुबारक शेख अब्दुल नाबी तो यार आंसर तुम्हें जापर कौटी जापर ना इजिली आर्यन बुक रे पाई पारिबो आर्यन बुक जी पढ़ुच फॉलो कर सब कौच आर्यन बुक फॉलो कर तो ये देख डायरेक्टली देखिए देख ये नवरत्न अकबर नवरत्न देखिए इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अकबर रूल तो अकबर रूल टाइम देख ये उलेमा मान डोमिनेंस को कर करने अकबर कौन करते ना न्यू खतवा इंट्रोड्यूस करते किए किए लिखी थे फैजी लिखी थे आउ एंड प्रोक्लेम मजरम इन 1579 व्हिच मेड हिम द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ इस्लामिक लॉ तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन एटा ए टाइप ऑफ क्वेश्चन जदि आसना ताले तमे इजीली सॉल्व कर पारथंदा बट ए ऊपर जो क्वेश्चंस अछि गोटे गोटे दिटा क्वेश्चन अछि ताकु डी कष्ट लागुछि तो एटा भी तमे इजीली करि पारिबो। ओके तो एमते कि तीनटा कि चारटा क्वेश्चन तमे एथ्रू इजीली करि पारिबो जदि आर्यन बुक फॉलो करछो तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द टर्म यूज्ड फॉर रिलीजियस ऑफिसर इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एटा भी बहुत टफ क्वेश्चन कौन पई मीर समान तुम जान मुहतासिब भी तुम जापर बट ये दुटे तुम कन्फ्यूज हो तेणु ये जो तथा मुझे 100% यार आंसर कही पारुनि जे आतिश हम कि बाहर हम कौन पई ना यार आंसर जब आम देखा ये देख डिपार्टमेंट अंडर मुगल एम्पायर ये से किसी आंसर देनी स्टार मार्क कर तो ये देख ये जहाँ भी सब अच्छे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट तापर देखो आमर जो किए कौन थिले आमर बेसिकली अकबर बा मुगल पीरियड रे तांको विषय रे देछि बट ए बेसिकली आमर जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन रे रिलीजियस ऑफिसर किए थिले ना देखो एडी इनचार्ज ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट ये थिले सदर उद सदर बट रिलीजियस ऑफिसर किए थिले तार मेंशन इथरे नाही तनो यार आंसर पाइबा ये कष्ट तो बेसिकली आंसर जो आम देखुचे बेसिकली रेकमेंड कर समस्ते आंसर डी तनो आंसर डी करिचो जो माने से ओके ब्रिटिश कंक्लूडेड ट्रीटी ऑफ सुरात इन 1775 विद डैश एडा भी टिके ट्रिकी क्वेश्चन जदि तुम्हें डिटेल पढ़ी थो मॉडर्न इंडिया ताले आंसर करि परिबो कौन पई ना एडा आर्यन बुक रे डिटेल देई नाही कोठी देईची ना स्पेक्ट्रम बुक रे आ आमे समस्त जानिचे समस्त भी स्पेक्ट्रम पढ़ुचे तो आम जब डिटेल पढ़ीवा ताले आंसर इजिली करि परिबा तो 53 नंबर क्वेश्चन को जब देखा ब्रिटिश कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ सुरात इन 1775 विथ रघुनाथ राव तो कौट पाइबा ये आंसर ना फास्ट आंग्लो मराठा वार टाइम रे स्टार्टिंग को ही तुम देखो जो माधवराव जो डेथ है 1772 रे भाई किए थे नारायण राव सक्सीड कले और फिफ्थ पेशवा हिसाब से जॉइन कले
नारायण राव को अंकल किए थे रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव बेसिकली तांको डिटेल जदि पढिबो इथरे कोन करचंती ना ट्रीटी ऑफ सुरत साइन करथले का सहित ब्रिटिश मानको सहित ओडी बॉम्बे रे साइन करथले केबे ना 1775 जोटे कि हमरा धीरे धीरे कोन आला ना से ट्रीटी धीरे धीरे जो फास्ट ट्रीटी जो हेतला फास्ट एंग्लो मराठा वार ट्रीटी जो माने आंसर कहि परिबो तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन करो जे फास्ट ट्रीटी जो फास्ट एंग्लो मराठा वार को ट्रीटी रे एंड हेतला। ओके तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन 54 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वाज फास्ट टू बी कंक्लूडेड विथ विलेज कम्युनिटी। बहुत इजी क्वेश्चन बट तुमको ट्रिकी लगे टी फास्ट कौन पर फास्ट लैंड रेवेन्यू टेक्निक कही से तुमको कन्फ्यूज लगे बट तुम जब डिटेल पढ़ी थो तो इजी हो तुम्हें कौन पर ना विलेज कम्युनिटी सहित जो सेटलमेंट डायरेक्टली कम्युनिकेट करुच्चा कौन महलवारी सेटलमेंट तेणु आंसर हम देख डायरेक्टली तुम पाइबो एई टाइप रो क्वेश्चन आगरो भी पचार छी अलगा सेटलमेंट को नेकी तो यार आंसर हबो कोन महलवारी सेटलमेंट। देखो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आर्यन बुक देई छी तो महलवारी सिस्टम डिटेल तमे देखो रेवेन्यू सेटलमेंट वाज टू बी मेड बाय विलेज और स्टेट्स ऑफ लैंडलॉर्ड तो सेई सेति पई ताको कहौ छी कोन महलवारी सेटलमेंट। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द टाइटल ऑफ फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय जेम्स ऑगस्ट हिकी हिकी जेम्स ऑगस्टस हिकी। तो यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन समस्त पढ़ी थो जो मैंने प्रेस व न्यूज पेपर स्टार्टिंग पढ़ु थो कि स्पेक्ट्रम पढ़ुच जदि स्पेक्ट्रम पढ़ुच आंसर कर पार डायरेक्टली देती जेम्स अगस्ट सिकी इन 1780 स्टार्टेड द बेंगल गेजेट और ताको कौन कहते कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर तो फास्ट न्यूज पेपर इन इंडिया जोटा कि 1872 स्टार्ट होता सीज होता। तापर देखो ये बुक एंड जर्नाल जो आर्यन बुक अच्छी तार लिस्ट अच्छी तुम पाइपर जेम्स अगस्ट सिकी 1780 रे स्टार्ट हेतला बेंगल गेजेट रे। ओके तापर देखो नेक्स्ट हु कंपेयर्ड द सॉल्ट मार्च ऑफ गांधी टू नेपोलियंस मार्च टू पेरिस ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम एल्बा। तो एटा टिके कष्ट क्वेश्चन कोन पई ना समस्त एटा जानि नथांती यार आंसर मु भी जानि नथली बट तमे जदि देखिबो बेसिकली एटा कौन गोटे क्रिटिसाइज टाइप रो तेणु क्रिटिसाइज किए करुले आम महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज किए करुले कमेंट किए करुले बेसिकली सुभाष चंद्र बोस करुले बट एम सब सपोर्टर थे तेणु से ही सेन्स रु भी तुम आंसर करपर। ओके रिस्क नहीं जब आंसर कर तुम इजिली आंसर कर कौटा सुभाष चंद्र बोस। ओके तो 56 रो आंसर सेमती ये देख लिखाई सुभाष चंद्र बोस एंड जेम्स सेनगुप्त लेड द फैक्शन ग्रुप ऑफ बेंगल बट ही बॉस क्रिटिसाइज गांधी एति देखिए कौट स्पेक्ट्रम दे बट डिटेल देनी आउ डिटेल यू नेपोलियंस मार्च को कंपेयर करी ना बट सुभाष चंद्र बोस को विषय अलग सब जिन डिटेल देखिए एवं कौन करते आउ दिल्ली चलो जय हूँ ये सब फेमस स्लोगान विषय देते मेनसन अच्छी ऑटोबायोग्राफी भी क्वेश्चन आसो द इंडियन स्ट्रगल द इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस बायोग्राफी। ओके देख नेक्स्ट क्वेश्चन हु फाउंडेड द डेकान एजुकेशनल सोसाइटी। यहाँ सब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कौन पाई ना राणाडे कि आम नन अफ दि अब कन्फ्यूज हो बट ये देख ये आम जो बेसिकली स्पेक्ट्रम जी देखा एम जि राणाडे तेणु एम जि राणाडे ही आंसर हेबो। ओके राणाडे किंतु फाउंडर जी देखा हु फाउंडेड किए फाउंड करते तो ये देख फाउंडेड करते किए जीजी अगरकर एक्चुअली जीजी अगरकर ओरिजिनल फाउंडर बट एम मिसिकी जी करेंगे तेल एम जि राणाडे आंसर हे बट ये देख पुणी आउ थे डेकान एजुकेशन सोसाइटी को जब गुगुल सर्च करवा तेल बाल गंगाधर तिलक भी इधर आसोसीएट अच्छा। ओके तिलक ये देख लिखाई ही स्टार्टेड द डेकान एजुकेशनल सोसाइटी विथ जीजी अगरकर एंड विष्णु शास्त्री चिपुनकर फर पर्पज अफ इन्सपायरिंग नेशनालीस्ट एजुकेशन एवं जर्नालीस्ट। ओके तो यहाँ भी तुम आंसर हो पाए नन अफ दि अब भी हो पाए बट आंसर जेहेतु से तेणु आंसर हम ए। तापरे हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फैमिन कमिशन इन 1880। यहाँ भी बहुत इजी क्वेश्चन कौन पाइना फैमिन कमिशन को लेकिन आगु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसी तो जो मैंने पढ़ी चाहिए इजिली करपर कौन पाई ना सब कमिशन बहुत इंपोर्टेंट यहाँ फैमिन खाली जाच तुम तापरे एजुकेशन सिविल सर्विस केते सारा कमिशन अच्छे से कमिशन गुड़ा को लेकिन क्वेश्चन बारंबार पचारपीएससी। ओके तेनाली 58 आंसर आम कमी जाना ना आंसर हम ए रिचार्ड स्ट्राची तो रिचार्ज स्ट्राची कमिशन 1880 स्टार्ट होता यार आंसर भी तुम वाइसरॉय ऑफ इंडिया डिटेल जो देखा फास्ट आम फैमिन आसला बिहार 1876 लॉर्ड लाइटन टाइम कौन है ना फैमिन कमिशन बसला कौटी अंडर स्ट्राची वाज अपॉइंटेड टू हिम 1878 बट तुमको कन्फ्यूजन लगे जे
ଏଇଥିରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି, ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାମିନ କମିଶନ ବୋଲିକି, ତେଣୁ ଏଇଥିରେ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଯଦି ଦେଖିବ ଲାୟଲ କମିଶନ କେବେ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ କମିଶନ କେବେ ହେଇଥିଲେ, ଏହାର ଆନ୍ସର ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିକି ଇଜିଲି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ ରିଚାର୍ଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଓକେ, ସୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବେସିକାଲି ଥିଲା କ'ଣ ନା, ତୁମେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଯେତିକି ପସିବୁଲ ଯେତିକି ପସିବୁଲ ସବୁର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବେସିକାଲି ଏଇ ଏଇ ପର୍ପଜ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଛେ। ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ତୁମର ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମକୁ ନେଇକି, ଯେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଏଇ ଟପିକ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ବା ଟଫ୍ ଆସିଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ମେନସନ୍ କର କମେଣ୍ଟରେ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେୟାର କର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁଟାକି ବେସିକାଲି ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ ଫର୍ଦର କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସାମରେ ଭଲସେ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିନ ବା 80 ତଳକୁ, ଯାହାର ଜେନେରାଲ ପିଲା ଯାହାର 80 ତଳକୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏବେରୁ ତୁମେ ପ୍ରିଲିମ 2020 ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ST ପିଲା 50 ତଳକୁ ଆସୁଛି, ତୁମେ ଏବେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ ପ୍ରିଲିମ ପାଇଁ 2021 ପାଇଁ ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ତା ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି ମାର୍କ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ ମେନ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମେନ୍ ଆଉ ପ୍ରିଲିମ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଇଁ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭଲ ହେଇନି, ସେମାନେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ। 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ବେସିକାଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ରିଲେଟ୍ କରିକି ଆସିଛି। ଦେଖ ENVIS ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ଦେଖ ତାପରେ CBD କନଭେନ୍ସନ୍ ଅନ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟି, ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଯେଉଁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫାଇବର କେଉଁଟା ନୁହଁ, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଏଥିରେ ତୁମେ ରିଲେଟ୍ କରିକି ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆୱାର୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତିନି ଚାରିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଦେଖ, ଏଇଟା ବି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ନାସା ପ୍ରିଜର୍ଭେନ୍ସ ରିଭର୍ ସେଫ୍ଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଅନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ତ ନାସାର ଯେଉଁ ପ୍ରିଜର୍ଭେନ୍ସ ରିଭର୍ ବୋଲି ତୁମେ ଏଇଥିରେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଆମର କେବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଲାଇଟନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିନ୍ କମିଶନ, ଏଇଟା ବି ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବି ତୁମେ ପାଇପାରିବ, ପଲିଟିର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି। ତ ଏମିତି 30-40 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଇଜିଲି ତୁମେ ଆମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରୁ ତୁମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ସୋ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆମର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।